अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग चेस्ट और ट्राइसेप्स के बारे में बात करेंगे। इस रूटीन में मैंने दो वार्म अप सेट किए, दो वार्म अप एक्सरसाइज। पहला वार्म अप जो है वो पार्लर डिप्स है और दूसरा पुशअप्स। पार्लर डिप्स से इसलिए मैंने शुरू किया क्योंकि ये पूरा अपर पार्ट एक्टिवेट कर देता है, जैसे आपका लोअर चेस्ट, अपर चेस्ट भी, शोल्डर्स, ट्रैप्स, ट्राइसेप, लिटरली पूरा अपर पार्ट एक्टिवेट करता है। तो इसके मैंने 10 रेप्स वाले 4 सेट किए। फिर उसके बाद मैंने प्लैंक पुशअप्स किए 20 रेप्स वाले 2 सेट, ठीक है। फिर जब कॉम्पाउंड एक्सरसाइज की बारी आई, मतलब एक्चुअल सेट जो है मेरे, तो शुरुआत मैंने इंक्लाइन बेंच प्रेस की। इंक्लाइन बेंच प्रेस इसलिए की क्योंकि प्रोफेशनल्स का मानना है कि ये आपके पूरे चेस्ट मसल्स को एक्टिवेट करता है, चाहे वो इनर हो, क्लोज हो, बाहर हो, जो भी है। मैं तो प्रोफेशनल हूँ नहीं कि इतना बोल पाऊँ, लेकिन मैं ये ट्रेनर की बात बता रहा हूँ आपको मैं, कि इंक्लाइन बेंच प्रेस आपके पूरे चेस्ट को एक्टिवेट करती है। इसकी विड्थ जो है आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, मतलब शोल्डर से थोड़ी ज़्यादा, और आपको लेना है पूरा अपर चेस्ट तक, फिर उठाना है। और ब्रीदिंग भी इम्पॉर्टेंट है इसमें। अगर आप ब्रीदिंग होल्ड कर लेते हैं तो आपका मसल्स में मूच आ जाएगी। तो याद रखिए, हर रेप में आपको एक ब्रीदिंग लेनी है, नीचे लिए फिर ऊपर लेने टाइम आपको छोड़ना है, ये है ब्रीदिंग। ये मैंने 4 सेट किए। रेप्स वेट पे डिपेंड है, लाइट वेट में मैं 12 रेप्स करता हूँ, फिर उससे थोड़ा वेट में फिर 10, फिर 8, फिर 6, ऐसे कर करके ये मैंने 4 सेट किए। उसके बाद आता है प्लेन बेंच डंबल प्रेस। प्लेन डंबल प्रेस एक्चुअली काफ़ी क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिव होती हैं। मैं जितना भी वीडियोस देखा हूँ, प्रोफेशनल से बात किया हूँ, बॉडी बिल्डर से जितना सुना हूँ मैं, डंबल प्रेस ऐसी एक्सरसाइज है कि आपको को फुल आरओआई मिलता है। पूरा आप नीचे ले सकते हैं, ला सकते हैं। बेंच प्रेस में वो नहीं है, बेंच प्रेस में आप चेस्ट तक लगा के फिर उठा देते हैं। डंबल प्रेस में आप पूरा नीचे तक ले सकते हैं, स्क्वीज करके फिर आपको उठा सकते हैं। ये एक डंबल प्रेस की खासियत है। तो इसको मैंने प्लेन की 4 सेट किए। वही रेप्स वेट पे डिपेंड है कि कितना, लाइट वेट में वही 15-12, फिर उससे ज़्यादा 10, फिर उससे ज़्यादा वेट वाले 8, फिर 6, ऐसे करके मैंने 4 सेट किए। उसके बाद मैंने गया, मैं प्लेन डंबल फ्लाई की, इसके भी मैंने 4 सेट किए। प्लेन डंबल फ्लाई आपके पूरे चेस्ट को एक्सपैंड करके फिर स्क्वीज करता है, तो ये आपके सारे उसके फाइबर्स जो होते हैं चेस्ट के एक्टिवेट करता है, तोड़ता है। तो इसके भी वही मैंने 4 सेट किए। फिर रेप्स भी वही चीज़ है, वेट के ऊपर डिपेंड है। लाइट वेट वही 12, फिर उससे थोड़ा वेट 10, उससे थोड़ा वेट 8, ऐसे कर करके फिर मैंने 4 सेट किए। फिर जो फोर्थ एक्सरसाइज मैंने की वो है लो से हाई डंबल फ्लाई। मतलब आपको लिटरली खड़ना है और दोनों साइड में दोनों डंबल पकड़ के आपको सेंटर पे लाना है, ऐसे ऐसे करके। ये आपका अपर चेस्ट पे प्रेशर देता है, जितना मैं अपने ट्रेनर से सुना। इसके भी मैंने 3 सेट किए। रेप्स जितना हो सका उतना किए मैंने, और मैं गिनती नहीं किया ऐसे पर्टिकुलरली, जहाँ पे लगा कि मुझे मेरे से नहीं होगा तो तब मैंने छोड़ दिया, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने किए पेक्टिक फ्लाई, बटरफ्लाई। ये मेरा मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है ये एक्सरसाइज, क्योंकि आपको बस बैठ के खींच के बस स्क्वीज करना है आपको। इसमें भी आपका पूरा चेस्ट स्क्वीज होता है, और मेन बात ये है कि इससे आपकी इनर लाइन भी बनती है। मतलब जहाँ तक मैं फील किया हूँ, मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, पर मुझे जो लगा है मैं वही बोल रहा हूँ। इसके भी मैंने 3 सेट किए, और पूरे वार्म अप आप देख सकते हैं कि ये मेरी चेस्ट है पूरे वर्कआउट के बाद। फिर मैंने ट्राइसेप के 3 एक्सरसाइज किए। एक है रोप पुश डाउन, दूसरी है रोप पुश अप, और तीसरी है केबल ट्राइसेप किक बैक। ये जो 3 ट्राइसेप के एक्सरसाइजेस हैं मैंने 3-3 सेट किए। रेप्स जितना कम हो सका, लाइट वेट किया मैंने, क्योंकि मैं ऑलरेडी चेस्ट करके थक चुका था,
तो इसको मैंने नॉर्मल वे में किया। इस रूटीन से पहले मैंने 2 घंटे पहले 300 ग्राम राइस, 3 फुल एग वाले ऑमलेट और भिंडी, पत्ता गोभी और मटर जो वेजीज हैं, इतना मैं खा के गया था 2 घंटे पहले। ये मेरा डाइट था। और इस रूटीन के बाद, आई मीन चेस्ट और ट्राइसेप करने के बाद, मैं 50 ग्राम ओट्स, एक वे स्कूप, एक 3 चम्मच पीनट बटर और शहद, ये ग्राइंड करके मैं पिया था ताकि मेरे को भरपूर प्रोटीन मिल सके। मैं अपना हल्का सा एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं बहुत ही पतला था, बहुत ज़्यादा, 45 किलो था मैं। इंजीनियरिंग पढ़ रहा था लेकिन मैं 45 किलो का था, और मेरे को लग रहा था कि मैं कभी इतना तक नहीं आ पाऊँगा। अभी मैं पूरा बना ही नहीं हूँ, जितना हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। तो अगर आपको लगता है कि आप कर नहीं पाएंगे तो ये आप गलत सोच रहे हैं। आप भी कर सकते हैं, बस आपको ट्राई करना है उस कॉन्फिडेंस में। मान लीजिए आपका पहला दिन नहीं हो रहा है, दूसरा दिन नहीं हो रहा है, एक हफ्ते तक नहीं होगा, मान लीजिए कोई एक सेट या कोई एक्सरसाइज, 8वें दिन को ज़रूर होगा, ज़रूर। मेरे सामने कुछ बच्चे मेरे से जूनियर थे, वो एक पुलअप तक नहीं कर पाते थे, हर रोज़ वो ट्राई किया, वो मेंटली प्रिपेयर रहते थे कि हम लोग को करना है, करना है, करना है। तो एक हफ्ते बाद वो लोग सीधा 5 रेप किए, मतलब एक जूनियर था वो 5 रेप किया सीधा। अच्छा लगा उसको देख के कि चलो फाइनली इज रेडी, मतलब अब वो आगे बढ़ सकता है। तो वही, आप मोटे हो पतले हो जो भी हो, आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप वज़न कम कर सकते हैं, आप वज़न बढ़ा भी सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है, आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड है। आप इस चीज़ से प्यार करें, अगर आप इस चीज़ से प्यार करेंगे तो आप इसको छोड़ेंगे नहीं। बेसिकली आप जिससे प्यार करते हो उसको नहीं छोड़ते हैं। तो वर्कआउट से आप प्यार करें। अगर जिम में आपको शर्म आती है तो पहले आउटडोर ट्राई करें, आउटडोर से दौड़े वगैरह सब ट्राई करें, फिर जिम ज्वाइन करें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। चलिए, ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफिज़।